नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और अब आपको बताने वाली हूं सुशांत केस में क्या क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि जब से सीबीआई को ये मामला हैंडओवर हुआ है, दो ही दिन में जांच इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को अभी उम्मीद बंधने लगी है कि सुशांत को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। कुछ अलग अलग तरह की कमेटियाँ गठित हो चुकी हैं, कुछ अलग अलग लोगों से फिर से पूछताछ हो रही है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो पहले कभी सुने भी नहीं थे हम लोगों ने, उन पर भी बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज अभी इस वक्त सीबीआई सुशांत के मामले में क्या क्या कर रही है। आपको बता दूँ, सुबह अपने गेस्ट हाउस से निकली सीबीआई, सांताक्रूज के गेस्ट हाउस में रुकी है, वहाँ से निकल कर सीबीआई की टीम ने अब सिद्धार्थ के जो दोस्त थे सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से बातचीत शुरू कर दी है। उनसे बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। उनसे पहले जो उनके कुक थे नीरज, उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन उनसे फिर से पूछताछ होगी। यानी कुक को बहुत अहम गवाह माना जा रहा है सीबीआई की टीम के द्वारा, और उनसे वापस पूछताछ होगी। दो बार पूछताछ हुई, एक बार पहले हो चुकी है कल, और आज फिर पूछताछ हुई। आपको बता दूँ, कूपर हॉस्पिटल भी सीबीआई की टीम जाँच के लिए पहुँची है, जहाँ पर सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। जिन 5 डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की थी सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी की, उनसे भी पूछताछ हुई। खास तौर से मॉर्चुरी की टीम से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि मॉर्चुरी में 45 मिनट रुके थे रिया जाने के, सुशांत सिंह की बॉडी के पास पूरे 45 मिनट वहाँ पर रही थी वो अकेले। तो इस दौरान ऐसे क्या ज़रूरत थी कि रिया को 45 मिनट वहाँ रुकने दिया गया? इस दौरान रिया ने क्या क्या किया, क्या रिया की वहाँ मौजूदगी से पहले और वहाँ मौजूदगी के बाद कुछ फ़र्क देखने को मिला सुशांत की डेड बॉडी के आसपास? ये सारे सवाल जवाब होंगे। ऑटोप्सी की टीम, जो 5 डॉक्टर्स की टीम थी, उनसे भी बातचीत होगी। इसके अलावा आपको बता दूं, बांद्रा पुलिस के अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है, बातचीत की है। सबूत तो हैंडओवर कर ही चुकी है, इसके बावजूद बहुत सारी पूछताछ पुलिस से भी की गई है, ताकि कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसी बारीक सी चीज़ सीबीआई की नज़रों से नज़रअंदाज ना हो जाए, इसको लेकर बातचीत हुई है। और कुक से आपको मैं बता ही चुकी हूँ, दो बार बातचीत हो चुकी है। जो खास सवाल कुक से पूछे गए वो भी आपसे बताती हूँ, खासतौर से जो बातचीत हुई। सबसे पहले तो फ्लैटमेट्स के बारे में सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है कि कौन कौन फ्लैटमेट्स थे, कौन कौन कितने समय तक सुशांत के साथ रहा, कौन कौन कब छोड़ कर गया, किन हालातों में छोड़ कर गया, इस पर बातचीत हो रही है। और ख़ास तौर से 6 महीने के पीरियड पर सीबीआई का सबसे ज़्यादा फोकस है कि पिछले 6 महीने में, यानी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से 6 महीने पहले तक में, वहाँ पर उनके साथ कौन कौन से फ्लैटमेट्स रहे, उनके साथ सुशांत का बर्ताव कैसा था, उनका बर्ताव सुशांत की तरफ कैसा था, किन हालातों में उन्होंने कमरा बदला, अगर बदला तो। इसके अलावा 14 जून की सुबह और उससे पहले की रात को सुशांत का मूड कैसा था, इस पर बहुत पूछताछ हो रही है। एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमिनन है, अगर किसी का मूड ख़राब होता है तो सबसे पहले उसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती है, उसने कब क्या खाया, अपनी पसंद की चीज़ खाई या नहीं खाई। अगर मूड बहुत ऑफ होगा तो खाने के टाइम या तो बहुत डिले होगा या फिर उस दिन का खाना भी स्किप हो सकता है। तो इन बारीक पॉइंट्स पर भी सीबीआई की टीम जाँच कर रही है। उसके बाद इस तथ्य पे भी जांच आकर घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने अगर सुसाइड किया या उनकी डेथ हुई और पंखे से टंगी उनकी डेड बॉडी मिली थी, तो उसे नीचे किसने उतारा, किसने सबसे पहले उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा के गेट खुलवाया, ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि गेट खुलवाया जाए, खटखटाने की नौबत क्यों आई बहुत देर तक, और पंखे से उनकी डेड बॉडी को किसने नीचे उतारा। उसके बाद पीसीआर टीम को किसने कॉल करके बुलाया कि ऐसा हादसा हो चुका है, और जब डेड बॉडी मिली तो उस वक्त घर में कौन कौन था और उस कमरे में कौन कौन था। एक बात और जिस पर तफ्तीश सीबीआई की सिमटी हुई है वो ये है कि क्या इससे पहले कोई पार्टी हुई थी घर में, जिस दिन ये हादसा हुआ उससे पहले या उससे 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, क्या इस तरह की कोई पार्टी हुई जिसमें सुशांत की किसी से बातचीत हुई हो, कुछ अलग लोग आकर मिले हों, अगर हुई तो उसमें कौन कौन आया। सिद्धार्थ पिठानी से खासतौर से इसलिए बातचीत हो रही है क्योंकि बहुत करीबी दोस्त हैं और उनके साथ जांच में काफ़ी सारे खुलासे हो सकते हैं, ये सीबीआई का मानना है। और अभी तक सीबीआई इससे पहले तक क्या कर चुकी है, ये जो मैंने आपको बताया ये आज की कार्रवाई है, सुबह से अभी तक जो सीबीआई की टीम
बहुत एक्टिवली काम कर रही है। इससे पहले तक वो सुशांत की केस डायरी हाथ में ले चुके हैं, आत्महत्या से जुड़े हुए सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने पास ले चुके हैं और सुशांत के जो हाउस मैनेजर है सैमुअल मिरांडा उनसे बातचीत कर चुकी है, कुक नीरज से भी कल बातचीत हो चुकी है और इसके अलावा 10 घंटे तक करीब बातचीत चली है नीरज से कल और आज फिर उनसे काफ़ी सवाल जवाब हुए हैं। यानी सीबीआई की जो पूरी जांच है उसे देखते हुए लगता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि मूड स्विंग कब हुआ, किस तरह का बिहेवियर पहले था, किस तरह से उनके मेट्स की वजह से उनके बिहेवियर में चेंजेस आया और क्या हालात रहे होंगे, अगर सुसाइड भी किया तो उस हालात तक पहुंचाने के लिए क्या कौन सी सर्कमस्टेंसेस जिम्मेदार हो सकती हैं, इस पर भी सीबीआई जांच कर रही है। तो अब देखना यह है कि इस तेज़ी से जो जांच आगे बढ़ रही है तो कब तक किसी नतीजे पर सीबीआई पहुंचती है, ये देखने के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। नमस्कार।